Hey everyone, welcome to Biology ATs. Class 12 Biology Human Reproduction Chapter से one of the most important topic menstrual cycle आज मैं आप सभी को समझाने वाली हूँ. सबसे पहले बात करते हैं the definition of menstrual cycle. बच्चे definition कहती है कि menstrual cycle refers to a series of cyclic changes that occurs in the reproductive system of female primates. फीमेल प्राइमेट जैसे कि फीमेल मंकी, फीमेल ह्यूमन बीइंग, फीमेल गोरिल्ला, फीमेल ओरांगुटंस, इन सभी के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कुछ सीक्वेंस ऑफ चेंजेस होते हैं एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन में, जिसे कि हम मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं. जो ह्यूमन फीमेल्स होती है बच्चों, इनमें इस मेंस्ट्रुअल साइकिल की ड्यूरेशन 28 to 29 डेज की होती है. अगर मैं फीमेल ओरांगुटंस की बात करूं तो 29 दिन 29 डेज की मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है. गोरिल्ला में 30 to 32 डेज की मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है. आज हम पढ़ने वाले हैं ह्यूमन फीमेल मेंस्ट्रुअल साइकिल, यानी कि हर 28 से 29 दिन के कुछ सीक्वेंस ऑफ चेंजेस जो कि फीमेल बॉडी में होते हैं, उन चेंजेस का क्या नतीजा होता है, क्या रिजल्ट होता है, क्यों ये चेंजेस फीमेल बॉडी में होते हैं, इन सभी के बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं. ठीक है, ह्यूमन फीमेल की जो मेंस्ट्रुअल साइकिल की ड्यूरेशन होती है वो 28 to 29 डेज होती है. ये मेंस्ट्रुअल साइकिल कब स्टार्ट होती है बच्चों? जब एक ह्यूमन फीमेल प्यूबर्टी एज को हिट करती है, प्यूबर्टी यानी कि 12 to 13 ईयर्स की एज पर आती है, तब जाकर उसकी बॉडी में मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होती है. जो मेंस्ट्रुअल साइकिल का पहला स्टेज होता है, पहला फेज होता है, उसे हम कहते हैं मेंस्ट्रुएशन, जिसे कि हम कॉमन लैंग्वेज में कहते हैं ना कि मुझे पीरियड्स हो रहे हैं. पीरियड्स हो रहे हैं मतलब मुझे मेंस्ट्रुएशन हो रहा है, मतलब मैं मेंस्ट्रुअल साइकिल की पहली स्टेज पर हूं अभी. तो किसी ह्यूमन फीमेल को जब पहली बार पीरियड्स हुए होंगे ना, तो उस पहले पीरियड्स को कहते हैं मेनार्क. जब कोई फीमेल अराउंड 50 ईयर्स की एज पर पहुंच जाती है और उसे जो जिंदगी के आखिरी पीरियड्स होते हैं, उसे हम कहते हैं मेनोपॉज. एमसीक्यू के तौर पर नीट में क्वेश्चन पूछा जा सकता है. सबसे पहली चीज, ह्यूमन फीमेल में मेंस्ट्रुअल साइकिल की ड्यूरेशन क्या होती है? 28 टू 29 डेज होती है बच्चों. मेंस्ट्रुअल साइकिल की जो पहली स्टेज होती है, जिसे कि हम पीरियड्स कहते हैं कॉमन लैंग्वेज में, हम साइंटिफिकली इसे कहते हैं मेंस्ट्रुएशन. पहला जिंदगी का मेंस्ट्रुएशन ह्यूमन फीमेल की लाइफ में कहलाता है मेनार्क, और जो आखिर मेंस्ट्रुएशन होगा अराउंड द एज ऑफ 50 इयर्स, इसे कहते हैं मेनोपॉज. अब हम पढ़ने वाले हैं कि मेंस्ट्रुअल साइकिल होती क्या है, किस लिए होती है, इसका नतीजा ये मेंस्ट्रुएशन क्यों होता है, इन सभी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे. अब जिससे पहले एक बार मैं आपको साइकिल ढंग से समझाना शुरू करूं, उससे पहले मैं आप लोगों को बताती हूँ एक लड़की की कहानी. इस लड़की का नाम है मोना दीदी. पहले मोना दीदी के बारे में थोड़ा सा जानते हैं कि मोना दीदी ऐसी स्टेज पर कैसे आई जब उनको मेंस्ट्रुएशन होना शुरू हुआ. मेरे बच्चे, मोना दीदी ना जब अपनी मम्मी के वूम में थी, जब मोना दीदी का डेवलपमेंट हो रहा था मम्मी के पेट के अंदर, तो क्या हुआ, मोना दीदी की जो ओवरीज थी, इन ओवरीज के अंदर ओवा फॉर्मेशन शुरू हो गई थी. ओवा क्या होता है? फीमेल गैमिट्स होते हैं बच्चे. तो मोना दीदी जब एम्ब्रियोनिक स्टेज में अपनी मम्मी की वूम में थी, तभी से ही मोना दीदी की ओवरी के अंदर ओवा फॉर्मेशन शुरू हो गई थी. एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज ओजेनेसिस. मोना दीदी की बॉडी के अंदर ओजेनेसिस की प्रोसेस तभी शुरू हो गई थी व्हेन शी वाज इन एम्ब्रियोनिक स्टेज एंड इनसाइड हर मदर्स वूम. ये जो एग्स मोना दीदी की बॉडी में मौजूद थे, वो डिवाइड होने शुरू हुए और वो एक स्टेज पर आकर रुक गए, जिसे हम कहते हैं प्राइमरी ओसाइट स्टेज. यानी कि मोना दीदी की बॉडी में, मोना दीदी की ओवरी के अंदर जो एग्स हैं, किस स्टेज में है? प्राइमरी ओसाइट स्टेज में है. ये मोना दीदी की ओवरी है, मोना दीदी की ओवरी के अंदर प्राइमरी ओसाइट्स है. इन प्राइमरी ओसाइट्स को सराउंड किया एक कैविटी ने, जिसे हम कहते हैं ओवेरियन कैविटी. यानी कि मोना दीदी की ओवरी के अंदर जितने भी प्राइमरी ओसाइट्स है, हर प्राइमरी ओसाइट कैविटी से सराउंडेड है और इस कैविटी को हम कहते हैं ओवेरियन फॉलिकल. अब क्योंकि ये ओवेरियन फॉलिकल प्राइमरी ओसाइट को सराउंड कर रहा है, इसीलिए इस ओवेरियन फॉलिकल का नाम मैंने दे दिया प्राइमरी फॉलिकल. अभी तक समझ आया? मोना दीदी की ओवरी के अंदर ओवा, ये ओवा डिवाइड होके एक स्टेज में आए, जिसे हम कह रहे हैं प्राइमरी ओसाइट. तो मोना दीदी की ओवरी के अंदर खूब सारे प्राइमरी ओसाइट्स हैं. हर प्राइमरी ओसाइट एक कैविटी से सराउंड हुआ, जिसे कि हम कह रहे हैं ओवेरियन फॉलिकल. क्योंकि ओवेरियन फॉलिकल प्राइमरी ओसाइट को सराउंड कर रहे हैं, इसीलिए इन ओवेरियन फॉलिकल को हम कह लेंगे प्राइमरी फॉलिकल. अब जब मोना दीदी पैदा होने वाली है, एट द टाइम ऑफ डिलीवरी, बर्थ के टाइम पर बच्चे, मोना दीदी की ओवरी के अंदर अराउंड 2 मिलियन ओवेरियन फॉलिकल्स मौजूद होते हैं. जब हमारी मोना दीदी प्यूबर्टी वाली स्टेज पर पहुंच गई, लगभग 12 साल की हो गई, तब मोना दीदी के हर एक ओवरी के अंदर सिर्फ 60,000 to 80,000 ओवेरियन फॉलिकल्स ही बच पाए. बाकी सारे फॉलिकल्स का क्या हुआ? वो डीजनरेट हो गए बच्चे.
अभी तक मोना दीदी की हिस्ट्री समझ आई क्या हुआ था? मोना दीदी जब मदर की वूम में थी, मोना दीदी की बॉडी के अंदर एग फॉर्मेशन शुरू हो गई थी। ये एग्स डिवाइड होने शुरू हुए और प्राइमरी ओसाइट स्टेज में आ गए। इन सारे प्राइमरी ओसाइट को एक सैक लाइक स्ट्रक्चर ने सराउंड किया, जिन्हें हम कहते हैं प्राइमरी फॉलिकल। एट द टाइम ऑफ बर्थ मोना दीदी की बॉडी के अंदर अराउंड 2 मिलियन प्राइमरी फॉलिकल्स मौजूद थे। लेकिन जैसे जैसे मोना दीदी की एज बढ़ती रही, व्हेन शी रीच्ड प्यूबर्टी, उनकी हर एक ओवरी के अंदर अराउंड 60,000 to 80,000 ओवेरियन फॉलिकल्स मौजूद हो गए। अब हम बात करेंगे कि मोना दीदी प्यूबर्टी में आ गई है, भैया इनका मेनार्क शुरू होने वाला है, जिंदगी के पहले पीरियड शुरू होने वाले हैं। हुआ कैसे? पहले, दूसरे, तीसरे ये पीरियड्स हो क्यों रहे हैं मोना दीदी को? अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे बच्चे। एक्चुअल में अब हम पढ़ने जा रहे हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। देयर आर 3 फेजेस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। पहली फेज को हम कहते हैं मेंस्ट्रुअल फेज, जिसे कि हम कॉमनली पीरियड्स भी कहते हैं कि मुझे पीरियड्स हो रहे हैं, जिसमें क्या होता है एक फीमेल बॉडी वेजाइनल ब्लीडिंग शो करती है, वेजाइना से ब्लीडिंग होती है। और ये क्यों होती है उसका रीजन जानेंगे। पहला मेंस्ट्रुअल फेज, दूसरा फेज होता है फॉलिकुलर फेज, और जो तीसरा फेज होता है उसे हम कहते हैं ल्यूटियल फेज या फिर सेक्रेटरी फेज। रटने की जरूरत नहीं है, हर एक फेज को मैं डिटेल में आप लोगों को समझाऊंगी। वापस से हमारी मोना दीदी की कहानी पर आते हैं। मोना दीदी को अपनी जिंदगी के पहले पीरियड्स होने लग गए हैं, मेनार्क हो रहा है, यानी कि मोना दीदी अभी मेंस्ट्रुअल फेज में है, जब उनके वजाइना से ब्लीडिंग हो रही है। ये ब्लीडिंग वाला फेज अराउंड 3 to 5 डेज तक चलता है बच्चे। इसमें क्या होता है, जो मोना दीदी की यूट्रस की सबसे इनर मोस्ट लेयर थी, जिसे हम एंडोमेट्रियम कहते हैं, ये एंडोमेट्रियम ब्रेक हो जाती है एंड अलोंग विद ब्लड वेसल्स वजाइना से बाहर आ जाती है। इसकी वजह से क्या होता है, मोना दीदी स्टार्ट्स ब्लीडिंग एंड इट कंटिन्यूज फॉर 3 to 5 डेज। ये होता है पहला फेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, जिसे कि हम मेंसुरेशन कहते हैं, कॉमनली कॉल्ड एज पीरियड्स हो रहे हैं भैया। दूसरा स्टेज आता है फॉलिकुलर फेज या फिर प्रोलीफेरेटिव फेज। क्या हुआ, मोना दीदी के यूट्रस के अंदर बच्चे अब ये एंडोमेट्रियम हट चुकी है, वापस से एंडोमेट्रियम की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि इन केस मोना दीदी फ्यूचर में प्लान करे कि मुझे प्रेग्नेंट होना है, तो वो जो एम्ब्रियो है ना, उसका इम्प्लांटेशन यह एंडोमेट्रियम पर ही होगा। मोना दीदी की प्रेगनेंसी तब तक सक्सेसफुल नहीं हो सकती है जब तक मोना दीदी की बॉडी में एंडोमेट्रियम नहीं है। एंडोमेट्रियम तो टूट गई ना पीरियड्स के दौरान, इस एंडोमेट्रियम को वापस बनना होगा। इसीलिए अब आता है दूसरा फेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, जैसे कि हम कहते हैं फॉलिकुलर फेज या फिर प्रोलीफेरेटिव फेज। होता क्या है बच्चे, मोना दीदी के हाइपोथैलेमस ग्लैंड से कुछ हार्मोन्स रिलीज होने शुरू होते हैं, जिन्हें कि हम कहते हैं गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन्स। ठीक है, हाइपोथैलेमस से GnRH रिलीज होने शुरू हुए। इन GnRH ने एक्ट किया पिट्यूटरी ग्लैंड पर, पिट्यूटरी ग्लैंड से सेक्रेट होने शुरू हुए LH एंड FSH, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एंड फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये LH और FSH जाकर एक्ट करते हैं मोना दीदी की ओवरीज में मौजूद ओवेरियन फॉलिकल्स पर। अभी मोना दीदी के पास कितने ओवेरियन फॉलिकल्स हैं? हर एक ओवरी में लगभग 60,000 से 80,000 ओवेरियन फॉलिकल्स मौजूद हैं। हमने मोना दीदी की हिस्ट्री में पढ़ा था ना। तो ये क्या हुआ, LH और FSH ने जाकर एक्ट करा ऑन ओवेरियन फॉलिकल्स। सारे ओवेरियन फॉलिकल्स पे एक्ट नहीं करता, अराउंड 6 to 7 ओवेरियन फॉलिकल्स पे LH FSH जाकर एक्ट करते हैं। फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, नाम में ही लिखा हुआ है कि वो फॉलिकल्स को स्टिमुलेट करेंगे, फॉलिकल्स की ग्रोथ को स्टिमुलेट करेंगे। तो मोना दीदी की ओवरी में जो है ओवेरियन फॉलिकल्स के बच्चे, जिसे कि हम प्राइमरी फॉलिकल्स कह रहे हैं, यहाँ पर FSH ने एक्ट करना शुरू किया। अराउंड 6 से 7 ओवेरियन फॉलिकल्स की ग्रोथ शुरू हुई। इस ग्रोथ फेज के दौरान क्या होता है, सिर्फ एक ओवेरियन फॉलिकल ही खूब अच्छे से ग्रो कर पाता है और बाकी सारे ग्रो हो रहे ओवेरियन फॉलिकल्स डीजेनरेट हो जाते हैं। क्या हुआ, FSH ने ओवेरियन फॉलिकल्स पर एक्ट करना शुरू किया, कुछ ओवेरियन फॉलिकल्स ग्रो करने शुरू हुए, लेकिन कुछ को ग्रोथ में मजा नहीं आया, डीजेनरेट हो गए। सिर्फ एक ही ओवेरियन फॉलिकल था जो कि फुल्ली मैच्योर हो पाया, जिसे कि हम कहते हैं भैया ग्राफियन फॉलिकल या फिर मैच्योर ओवेरियन फॉलिकल। ठीक है, पहले वो प्राइमरी फॉलिकल था, फिर वो सेकेंडरी फॉलिकल बना, टर्शियरी फॉलिकल बना, और उसके बाद बन गया मैच्योर ओवेरियन फॉलिकल। इन ओवेरियन फॉलिकल्स के अंदर जो एग्स मौजूद है उन्हें हम कह रहे हैं प्राइमरी ओसाइट। लेकिन अब जब ओवेरियन फॉलिकल मैच्योर होना शुरू हो गया ना, तो इनके अंदर मौजूद एग भी मैच्योर होगा। ये कहेगा मुझे प्राइमरी ओसाइट क्यों कह रहे हो, मेरा भी कोई अच्छा नाम रखो, मैं मैच्योर हो चुका हूं। तो इन अंदर मौजूद एग्स को अब हम कह लेंगे सेकेंडरी ओसाइट। अब क्या होता है बच्चे, जो ये मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल है मोना दीदी के एक ओवरी के अंदर, हर एक साइकिल में ध्यान रखिएगा एक ही ओवेरियन फॉलिकल मैच्योर हो पाता है, फिर दूसरी साइकिल में दूसरा ओवेरियन फॉलिकल फुली मैच्योर होगा, तीसरी साइकिल में तीसरा ओवेरियन फॉलिकल फुली मैच्योर होगा। इन शॉर्ट, हर एक मेंस्ट्रुअल साइकिल में जनरली एक ओवेरियन फॉलिकल ही फुली मैच्योर होता है और मेंस्ट्रुएशन की प्रोसेस में कंट्रीब्यूट करता है। ठीक, तो हमारा ये ओवेरियन फॉलिकल बन चुका है मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल, और इसके अंदर जो ओसाइट मौजूद है उसे हम कह रहे हैं सेकेंडरी ओसाइट।
ये मैच्योर ग्रेफिन फॉलिकल जो होता है ना बच्चे, ये रिलीज करना शुरू करता है एस्ट्रोजन हार्मोन। अब क्या हुआ, मोना दीदी की बॉडी में LHFSH भी रिलीज हो रहा है जो कि ओवेरियन फॉलिकल पे वर्क कर रहा था। ओवेरियन फॉलिकल ग्रो हो चुका है, मैच्योर ग्रेफिन फॉलिकल बन चुका है, मैच्योर ग्रेफिन फॉलिकल रिलीज करने लग गया है एस्ट्रोजन। अब क्या होता है, ये एस्ट्रोजन क्या करता है, ये एस्ट्रोजन मोना दीदी की बॉडी में वापस से एंडोमेट्रियम बनाना शुरू कर देता है। रीजेनरेशन ऑफ एंडोमेट्रियम हो रही है, मुबारक। हाँ, यही तो हम चाह रहे थे कि भाई मोना दीदी के पीरियड्स के दौरान पे जो एंडोमेट्रियम टूट चुकी है, बह चुकी है, बॉडी से बाहर निकल चुकी है, उसे हमें रीजेनरेट कराना है। रीजेनरेट होने लगी है भैया, ड्यू टू द सिक्रीशन ऑफ एस्ट्रोजन फ्रॉम द ग्रेफियन फॉलिकल, रीजेनरेशन प्रोसेस ऑफ एंडोमेट्रियम गेट स्टार्टेड। ठीक है जी, इतना हो चुका है बच्चे। अब क्या हुआ, जब बॉडी में एस्ट्रोजन की मात्रा बढ़ने लग गई है, अमाउंट ऑफ एस्ट्रोजन एज इट इज गेटिंग इंक्रीज्ड, तो भाई एस्ट्रोजन कहती है देखो भैया मैं सुपीरियर हूं, अगर मैं सेक्रीट हो रही हूं ना तो LH और FSH को हटाओ, मैं नहीं चाहती ये सेक्रीट हो। तो एस्ट्रोजन क्या करता है, एक नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म शो करता है। एस्ट्रोजन कहता है भाई या तो मैं सेक्रेट होंगी या तो LHFSH सेक्रेट होंगे, इनका सेक्रेशन बंद करो। एस्ट्रोजन क्या करता है भैया, एस्ट्रोजन एक्ट करता है आपके पिट्यूटरी ग्लैंड पे, और पिट्यूटरी ग्लैंड से सेक्रेट हो रहा था LH और FSH। एस्ट्रोजन कहता है दीदी पिट्यूटरी फटाफट LH और FSH के सेक्रेशन को रोक दो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तो भाई पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करता है, इट इनहिबिट्स द सेक्रेशन ऑफ LH एंड FSH। समझ आया क्या हुआ, एस्ट्रोजन रिलीज हो गया था मेरे बच्चे। एस्ट्रोजन जैसे ही रिलीज हुआ, उसने कहा मेरी अमाउंट बढ़ रही है, मैं ही सुपीरियर रहूंगा, स्टॉप द सेक्रेशन ऑफ LH एंड FSH। तो आपके पिट्यूटरी ग्लैंड से LH और FSH का सेक्रेशन कम हो चुका है, एस्ट्रोजन सेक्रेट हो रहा है। एस्ट्रोजन सेक्रेट हो रहा है तो क्या हो रहा है, एंडोमेट्रियम बनती चली जा रही है। ये हो गया, इस फेज को हम कहते हैं बच्चे फॉलिकुलर फेज। फॉलिकुलर फेज क्योंकि फॉलिक्यूल्स ग्रो हुए, फॉलिक्यूल्स के ग्रो होने से क्या हुआ, जो मैच्योर फॉलिकल था उसने एस्ट्रोजन सेक्रेट किया और एस्ट्रोजन ने आपकी एंडोमेट्रियम को रीजेनरेट करना शुरू हुआ। अब क्या होता है, ये जो फॉलिकुलर फेज होता है बच्चे, ये लगभग 8 से 9 दिन का होता है, फिक्स्ड ड्यूरेशन नहीं होती है, रेंज में लेकर चलते हैं कि 8 से 9 दिन का ये फॉलिकुलर फेज होता है। यानी कि अगर मोना दीदी को पीरियड सपोज 1 अगस्त को हुए थे, ठीक है, 1 अगस्त से लेकर 5 अगस्त को मोना दीदी को पीरियड्स चले, 6 अगस्त से लेकर लगभग 13 अगस्त तक मोना दीदी का फॉलिकुलर फेज चलेगा, 8 to 9 days का मोना दीदी का फॉलिकुलर फेज होगा। 14th डे को क्या हुआ बच्चे, 14th डे को ऐसा हुआ कि जो मैच्योर ग्रेफियन फॉलिकल थी जिसके अंदर सेकेंडरी ओसाइट मौजूद था, एस्ट्रोजन की अमाउंट इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि एस्ट्रोजन ने कहा अब मैं सुपर सुपीरियर हो चुका हूं, जो मैंने LH के सेक्रेशन को कहा था ना रोक दो, सुनो LH के सेक्रेशन को बढ़ा दो। तो ऑन 14th डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल एस्ट्रोजन कहता है पिट्यूटरी ग्लैंड कर दो LH और FSH को रिलीज, और LH का सेक्रेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। दिस इज कॉल्ड एज LH सर्ज। 14th डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल को LH की अमाउंट, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की अमाउंट मोना दीदी की बॉडी में बहुत ज्यादा बढ़ गई है, और इसके बढ़ने की वजह से क्या हुआ है, मोना दीदी का जो ये फॉलिकल था मैच्योर ग्रेफिन फॉलिकल, ये बर्स्ट हो चुका है, और मोना दीदी के अंदर जो आपका सेकेंडरी ओसाइट था ये रिलीज हो चुका है, फेलोपियन ट्यूब पर आ चुका है। इस प्रोसेस को, इस स्टेज को हम कहते हैं ओव्यूलेशन। द रिलीज ऑफ सेकेंडरी ओसाइट फ्रॉम द मैच्योर ग्रेफिन फॉलिकल इज कॉल्ड एज ओव्यूलेशन। अगर इस ओव्यूलेशन वाले फेज के दौरान मोना दीदी अनप्रोटेक्टेड सेक्स करती है तो क्या होगा, किसी इंसान का स्पर्म मोना दीदी की फेलोपियन ट्यूब में जाएगा, मोना दीदी के इस सेकेंडरी ओसाइट से फर्टिलाइज हो जाएगा, और भैया मोना दीदी मोना मम्मी बन सकती हैं। लेकिन मोना मम्मी बन गई तो हम मेंस्ट्रुअल साइकिल कैसे पढ़ेंगे, वो तो प्रेगनेंसी वाले स्टेज शुरू हो जाएगी ना, हमें तो वो पढ़नी नहीं है। तो भैया हम ओव्यूलेशन पर पहुंच गए हैं, जहां पर मोना दीदी के मैच्योर ग्रेफियन फॉलिकल से सेकेंडरी ओसाइट रिलीज हो चुका है। अगर 24 आवर्स के अंदर अंदर कोई स्पर्म आके इस ओवा को फर्टिलाइज करता है तो प्रेगनेंसी हो जाएगी, नहीं हुई तो भाई हम मेंस्ट्रुअल साइकिल को आगे कंटिन्यू करेंगे। आगे क्या होता है बच्चे, जो ये मैच्योर ग्रेफियन फॉलिकल था जब बर्स्ट हुआ तो आपका सेकेंडरी ओसाइट बाहर आ गया। अब जो ये लेफ्ट आउट पार्ट था, इसे हम कहते हैं कॉर्पस ल्यूटियम। ये कॉर्पस ल्यूटियम सेक्रीट करती है आपके एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, ज्यादा मात्रा में प्रोजेस्टेरोन सेक्रीट करती है। तो कॉर्पस ल्यूटियम क्या है, लेफ्ट आउट पार्ट ऑफ ग्रेफियन फॉलिकल है विदाउट सेकेंडरी ओसाइट, क्योंकि सेकेंडरी ओसाइट तो रिलीज हो चुका है। ये कॉर्पस ल्यूटियम सेक्रीट करना शुरू करती है प्रोजेस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन। प्रोजेस्टेरोन क्या करती है, जो आपके एस्ट्रोजन ने एंडोमेट्रियम के फॉर्मेशन को इनिशिएट किया था ना, प्रोजेस्टेरोन कहती है मैं भैया एंडोमेट्रियम को मेंटेन करूंगी, हमारी एंडोमेट्रियम खूब फले फूले बहुत अच्छे से ग्रो करे, तो इसका काम प्रोजेस्टेरोन करता है। कॉर्पस ल्यूटियम ने प्रोजेस्टेरोन सेक्रेट किया जो क्या करता है, मेंटेनेंस ऑफ एंडोमेट्रियम के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अब बॉडी में वापस से एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन की मात्रा बढ़ने लग गई है, अमाउंट बढ़ने लग गई है, वापस से घमंड आ गया। एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन कहते हैं सुनो LHFSH के सेक्रेशन को वापस से रोको,
अब LH और FSH की सेक्रेशन वापस से रुक गई है भैया। LH और FSH की सेक्रेशन वापस से रुकने की वजह से बॉडी में एक चेंज आ जाता है। क्या चेंज आता है कि प्रोजेस्टेरोन की अमाउंट भी कम हो जाती है, समझ रहे हो। एस्ट्रोजन तो अपने घमंड में था कि मेरी अमाउंट वापस से बढ़नी शुरू हुई है, तो मेरी अमाउंट बढ़ रही है, LH और FSH को रोक दो। LH और FSH का सेक्रेशन जैसे ही रुका, बॉडी में प्रोजेस्टेरोन की कमी होने लगी। जैसे जैसे बॉडी में प्रोजेस्टेरोन की अमाउंट कम होने लगी, प्रोजेस्टेरोन क्या काम कर रहा था, एंडोमेट्रियम को मेंटेन करने का काम कर रहा था। प्रोजेस्टेरोन ही बॉडी से कम हो गया, ये एंडोमेट्रियम ब्रेक हो जाएगी और इसके ब्रेक होने की वजह से क्या होगा, वापस से वेजाइनल ब्लीडिंग होगी, मेंसुरेशन हो जाएगा। ये मेंसुरेशन होने से पहले तक का जो फेज था, जब हमारी कॉर्पस ल्यूटियम ने एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन रिलीज करना शुरू किया, इस फेज को हम कहते हैं ल्यूटियल फेज या फिर सेक्रेटरी फेज। ल्यूटियल फेज, ल्यू से कॉर्पस ल्यूटियम, कॉर्पस ल्यूटियम फॉर्मेशन भी। सेक्रेटरी फेज क्यों, क्योंकि कॉर्पस ल्यूटियम सेक्रेट कर रही है, क्या क्या सेक्रेट कर रही है, प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन सेक्रेट कर रही है, ये ग्लाइकोजन ग्रैन्यूल्स भी सेक्रेट करती है। हालांकि आपकी एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है, फिर मैं बता देती हूं, जो आपकी कॉर्पस ल्यूटियम है ये ग्लाइकोजन के ग्रैन्यूल्स भी सेक्रेट करती है कि भाई इन केस अगर फर्टिलाइजेशन हो जाती है, जो एम्ब्रियो बनेगा उसको थोड़ा खाना मिल जाए ग्लाइकोजन के फॉर्म में, है ना जी। तो फटाफट से जरा रिवाइज करते हैं, समरी जानते हैं कि हुआ क्या। मोना दीदी जब प्यूबर्टी की स्टेज में पहुंची, मोना दीदी के हाइपोथैलेमस से रिलीज हुआ जीएनआरएच, जीएनआरएच ने एक्ट किया पिट्यूटरी ग्लैंड पे, पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज हुआ एलएच और एफएसएच, एलएच और एफएसएच ने एक्ट किया मोना दीदी के प्राइमरी फॉलिकल्स पे। कुछ प्राइमरी फॉलिकल्स ने ग्रो होना शुरू किया, इन कुछ ग्रो हो रहे फॉलिकल में से सिर्फ एक फॉलिकल ही है जो कि फुली मैच्योर बन पाया, जिसे कि हम कहते हैं फुली मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल। इस ग्राफियन फॉलिकल के अंदर मौजूद एग भी फुली मैच्योर हो चुका है, जिसे कि हम कह रहे हैं सेकेंडरी ओसाइट। अब ये जो मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल है वो रिलीज करती है एस्ट्रोजन। बॉडी में एस्ट्रोजन की अमाउंट बढ़ रही है, उस पर घमंड आ गया, उसने कहा भैया एलएच और एफएसएच के सेक्रेशन को रोक दो। एलएच और एफएसएच का सेक्रेशन रुक गया, अब एस्ट्रोजन की अमाउंट बढ़ती चली जा रही है, ग्राफियन फॉलिकल एस्ट्रोजन सेक्रेट कर रहा है। ये एस्ट्रोजन क्या कर रहा है, एंडोमेट्रियम को रीजनरेट कर रहा है। अब 14th डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल पर एस्ट्रोजन कहता है अब मैं बहुत अच्छे अमाउंट से बढ़ चुका हूं, एलएच और एफएसएच को वापस ग्रो किया जाए। ऑन 14th डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल एलएच की अमाउंट बहुत ज्यादा बॉडी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से ये जो मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल है ये सेकेंडरी ओसाइट को रिलीज कर देता है। दिस स्टेज इज कॉल्ड एज ओव्यूलेशन। यहां पर खत्म हुआ आपका सेकेंड फेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, जिसे कि हम फॉलिकुलर फेज कहते हैं। अब जब सेकेंडरी ओसाइट आपके ग्राफियन फॉलिकल से रिलीज हो चुका है, ये बचा कुचा ग्राफियन फॉलिकल जो है इसे हम कहते हैं कॉर्पस ल्यूटियम, जो कि सेक्रेट करती है एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। प्रोजेस्टेरोन क्या कर रही है, जो एस्ट्रोजन ने एंडोमेट्रियम वापस बनानी शुरू करी थी उसी एंडोमेट्रियम को मेंटेन करके रख रही है। अब क्या हुआ बच्चे, एस्ट्रोजन को वापस से घमंड आने लगा, इसने कहा एलएच और एफएसएच के सेक्रेशन को वापस से रोक दिया जाए। एलएच और एफएसएच का सेक्रेशन रुक गया, जिसकी वजह से प्रोजेस्टेरोन की अमाउंट भी बॉडी में कम हो गई। प्रोजेस्टेरोन क्या कर रहा था, कायदे से प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन की ही मदद कर रहा था, कह रहा था तूने जो एंडोमेट्रियम बनाई है मैं उसको मेंटेन करूंगा, लेकिन बॉडी में प्रोजेस्टेरोन की अमाउंट कम हो गई, जिसकी वजह से एंडोमेट्रियम की मेंटेनेंस नहीं हो पाई। एंडोमेट्रियम अलोंग विद दिस सेकेंडरी ओसाइट ब्लड वेसल्स बॉडी से बाहर आ गया इन द फॉर्म ऑफ वेजाइनल ब्लीडिंग। तो बच्चे ये है आपकी 3 stages ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, मैंने जो लिखा हुआ है फटाफट से आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। सबसे पहले आता है बच्चे आपका फेज, मेंस्ट्रुअल फेज, जो कि लगभग 3 to 5 days का होता है, जब क्या होता है फीमेल ह्यूमन की यूट्रस की जो इनर मोस्ट लेयर होती है एंडोमेट्रियम, वो ब्रेक हो जाती है अलोंग विद ब्लड वेसल्स इन सेकेंडरी ओसाइट, बाहर आ जाती है वेजाइना से, और इसकी वजह से वेजाइना के थ्रू बॉडी ब्लीडिंग शो करती है। ये क्यों होता है, क्योंकि बॉडी में प्रोजेस्टेरोन की मात्रा कम हो चुकी है, बॉडी से एंडोमेट्रियम हट चुकी है, हमें वापस से एंडोमेट्रियम बनानी है। फॉलिकुलर फेज आएगा, जिस पर क्या हुआ, एलएच और एफएसएच ने फॉलिकल्स पर वर्क करना शुरू किया, फॉलिकल्स ग्रो हुए, फॉलिकल्स के ग्रो होने से एस्ट्रोजन रिलीज हुई, एस्ट्रोजन ने एंडोमेट्रियम बनानी शुरू करी, इसे हम कहते हैं फॉलिकुलर फेज। फॉलिकुलर फेज क्यों कह रहे हैं, क्योंकि फॉलिकल्स ग्रो होते हैं, इसे प्रोलिफेरेटिव फेज भी कहा जाता है। प्रोलिफेरेशन हो रही है, ग्रोथ हो रही है, किसकी हो रही है, एंडोमेट्रियम की हो रही है। ऑन 14th डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल फॉलिकुलर फेज के ठीक बाद क्या होता है, एलएच की अमाउंट बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, जिसकी वजह से आपका सेकेंडरी ओसाइट रिलीज होता है फ्रॉम मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल, जिसे कि हम ओव्यूलेशन कहते हैं। अब ओवम हमारा वेट कर रहा है 24 घंटे तक, स्पर्म आ रहा है तो ठीक, वरना मेंस्ट्रुअल साइकिल कंटिन्यू करनी पड़ेगी। फर्टिलाइजेशन नहीं हुई, मेंस्ट्रुअल साइकिल कंटिन्यू होती है, क्या
आता है थर्ड फेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, ल्यूटियल फेज या फिर सेक्रेटरी फेज, जिसमें क्या होता है मेरे बच्चे, जो कॉर्पस ल्यूटियम है ये आपका प्रोजेस्टेरॉन सेक्रेट करती है, ग्लाइकोजन ग्रैन्यूल सेक्रेट करती है, इसे कि हम सेक्रेटरी फेज भी कहते हैं। और ल्यूटियल फेज क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें किसका रोल है, कॉर्पस ल्यूटियम का रोल है ना, कॉर्पस ल्यूटियम की फॉर्मेशन होती है। अब क्या हुआ, प्रोजेस्टेरॉन की अमाउंट कम हुई बॉडी में, जैसे ही प्रोजेस्टेरॉन की अमाउंट कम हुई एंडोमेट्रियम ब्रेक हो गए और वापस से आपका फर्स्ट फेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल मेंस्ट्रुएशन शुरू हो गया। तो ये है आपके मेंस्ट्रुअल साइकिल के तीन फेजेस, मेंस्ट्रुअल फेज, फॉलिकुलर फेज एंड ल्यूटियल फेज। 28 दिन तक ये फेज चलते हैं, जैसे 28 दिन पूरे हुए बच्चे दूसरी साइकिल शुरू हो जाएगी, वापस से मेंस्ट्रुअल फेज, फॉलिकुलर फेज, ल्यूटियल फेज, 28 डेज चली फिर वापस से दूसरी साइकिल शुरू होगी, मेंस्ट्रुअल फेज, फॉलिकुलर फेज, ल्यूटियल फेज। तो ये है आपके थ्री फेजेस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। लास्ट में ये आपका एक चार्ट दिया हुआ है एनसीईआरटी में, मैं फटाफट इसको भी एक्सप्लेन कर देती हूँ। सबसे पहले क्या हो रहा है, पीरियड्स हो रहे हैं 3 to 5 डेज के दौरान। ये क्यों हुए, क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन के लेवल हमारी बॉडी में कम है। अब क्या हुआ, जब पीरियड्स हो गए हैं तो हमें वापस से फॉलिकल्स को ग्रो करना शुरू करना है, वापस से फॉलिकल्स ग्रो हो रहे हैं। 14th डे पे एनएच की लेवल सबसे ज्यादा हो गई है, जिसकी वजह से ओव्यूलेशन हो गया है। जब ओव्यूलेशन हो गया है, बचा कुचा पार्ट आपका कॉर्पस ल्यूटियम फॉर्म कर रहा है, कॉर्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरॉन सेक्रेट कर रहा है। प्रोजेस्टेरॉन जब सेक्रेट हो रहा है तो एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन की अमाउंट अच्छी खासी बढ़ रही थी। एलएच और एफएसएच को उन्होंने कहा तुम लोगों की लेवल वापस से भाई डिक्लाइन करी जाए, एलएच और एफएसएच की लेवल डिक्लाइन हो गई, जिसकी वजह से प्रोजेस्टेरॉन की लेवल भी डिक्लाइन हो गई। प्रोजेस्टेरॉन की लेवल कम हो गई बॉडी में तो एंडोमेट्रियम ब्रेक हो गई और मेंसेस हो गए, वापस से मेंस्ट्रुएशन हो गया, वापस से पीरियड्स हो गए। आई होप मेंस्ट्रुअल साइकिल टॉपिक आप लोगों को समझ आ गया होगा बच्चों। इसके अलावा क्लास 11-12 बायोलॉजी के किसी और टॉपिक को समझने में आपको दिक्कत हो रही है तो प्लीज मुझे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मैं कोशिश करूंगी कि बहुत प्यारी कहानी बनाते हुए बहुत इजी वे में आप लोगों को डिफिकल्ट टॉपिक एक्सप्लेन करा सकूं। इसी के साथ साथ क्लास 12 जेनेटिक्स बच्चों को काफी ज्यादा डिफिकल्ट लगती है, तो आपके जेनेटिक्स के डिफिकल्ट टॉपिक्स, डीएनए रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, लैक ओपेरॉन का कॉन्सेप्ट, हर एक एक्सप्लेनेटरी वीडियो मैंने अपने चैनल पर अपलोड करी हुई है। मेरी जेनेटिक्स की प्लेलिस्ट जरूर चेक करिएगा। नीड बायोलॉजी शॉर्ट देसी ट्रिक सीरीज नाम से एक प्लेलिस्ट मेरी चैनल पर अपलोडेड है, जहां पर बायोलॉजी नीड सिलेबस में जितनी भी डिफिकल्ट प्रोसेसेस हैं, ग्लाइकोलिसिस के स्टेप्स, क्रेब्स साइकिल के स्टेप्स, फाइटो हार्मोन्स के क्या रोल होता है, मिनरल न्यूट्रिशन चैप्टर में डिफरेंट मिनरल्स के फंक्शन, इन सभी को याद करने की शॉर्ट धमाकेदार ट्रिक भी मैंने आप लोगों को बताई है। एक बार मेरी वो वीडियो भी जरूर चेक करिएगा। क्लास 12 बायोलॉजी में प्लाज्मोडियम की लाइफ साइकिल डिफिकल्ट लगती है बच्चों को, उसकी एक्सप्लेनेटरी वीडियो भी मैंने अपलोड करी हुई है, उसे भी जरूर चेक करिएगा। क्लास 11th बायोलॉजी में काउंटर करंट मैकेनिज्म बड़ा डिफिकल्ट लगता है, उसकी भी वीडियो भी अपलोडेड है, उसे भी चेक करिएगा। किसी और टॉपिक में दिक्कत हो रही है मुझे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आई होप ये वीडियो आप लोगों को समझ आई होगी, और समझ आई है तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि दी ये वीडियो हेल्पफुल रही, और अगर कुछ कमी रह गई तो उसको भी मेंशन करिएगा, ताकि आने वाली वीडियोस में मैं उन कमियों पर भी वर्क कर सकूं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड इफ यू लाइक इट मेक श्योर हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर द अपकमिंग वीडियोस। थैंक यू।